अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। यार, ईद को सिर्फ 3 दिन रह गए हैं और ईद के लिए मैंने कोई जानवर नहीं लिया अभी तक। और जल्दी से हम जा रहे हैं, इस लोडर को लेके जा रहा हूँ मैं। पीछे वाले लोडर को नहीं लेके जा रहा हूँ, मे बी को मुझे कोई बड़ा जानवर पसंद आ गया तो ये वाला लोडर बेस्ट रहेगा। और इसको हम करते हैं सिलेक्ट और उसमें हम लेके जा रहे हैं। और हमने लेके आना है जी, मे भी कि हमने 2 कैमल, मेरे ख्याल में मेरा माइंड तो कर रहा है कि 2 ऊँट ले लूँ, लेकिन अब क्या करें कि वो हम गलत साइड पे जा रहे हैं। हमने वो फार्म हाउस के उस साइड पे जाना है, बिल्कुल फार्म हाउस हमारे बिल्कुल साथ ही है और ये हमें रास्ता करीब पड़ेगा। और आपको मैं बताता चलूँ कि हम ये रोड पे जाएंगे, बाय रोड जाएंगे हम, क्योंकि कच्चा रास्ता जो है वो स्लिप होने का ज़्यादा खतरा होता है। ये फार्म हाउस बिल्कुल करीब ही हमारे, और ये फार्म हाउस हम पहुंच गए हैं। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल इजीली पहुंच गए हैं, विद इन जस्ट अ सेकेंड, 1 मिनट में हम पहुंच गए हैं। और मे भी क्या, हमने 2 ऊँट लेने थे, हाँ ऊँट ही लेने थे हमने 2, तो मे भी कि एक लिया जाए, वो डिपेंड करता है। ये आप फार्म हाउस चेक कर लें, आप लोगों को अगर कोई जानवर चाहिए तो प्लीज़ इधर विज़िट किए कर लें और आपको भी मुनासिब रेट पे मिल जाएंगे। मैं आपको भी इसका रेट बता देता हूँ, क्योंकि हमने अभी फाइनल जो है वो करना है। वो ऊँट तो नहीं लिया, ये मेरे ख्याल में हमने ना छोटे ही जानवर को ही ले लिया, इतनी महंगाई है। ये शबाज़ शरीफ ने बहुत तंग किया हुआ है। और ये हमने 2 भेड़ू ले लिए हैं और इनको 2 भेड़ू हैं, दोनों को हम लेके जा रहे हैं। ऊँट जो है वो ऐसे ही पास खड़ा था, आपको अगर चाहिए तो ऊँट का भी रेट लग जाएगा, लेकिन मुनासिब रेट यह है जैसे महंगाई की है शहबाज शरीफ ने, और इसने बहुत तंग किया हुआ है हमें। तो हमने जी भेडू जो है मुझे मिले हैं, यार ये गाड़ी वाले टक्कर मार दी है, बहुत गलत किया इसने। अरे यार रास्ता दे दे, हम ही पीछे आ जाते हैं, ये लो हम पीछे भी कर रहे हैं। तो यार ये पाकिस्तानी आवाम जो है ये बहुत तंग कर रहे हैं, गाड़ी चलानी आती नहीं है। देखो हम गाड़ी लोड किया हुआ है, हमने दो दो शिप लिए हुए, हमने लोड किए हुए हैं ऊपर, तो ये जो है जी हमें तंग कर रहे हैं, रास्ता नहीं दे रहे। हाँ जी, हम बिल्कुल पहुंच रहे हैं, अभी घर लेके जाएंगे, क्योंकि बड़ा जानवर पसंद नहीं आया। इतना महंगा इनका रेट था, ये तो भेड़ू मुझे इतने महंगे मिले हैं। मैं आपको बताऊं क्या आपको, कि इतनी बहस करने के बाद इसलिए मैंने वीडियो स्टॉप कर दी थी बीच में, मैंने फिर लोड करके आपको बताया ये लोड हो गया। और ये मुझे मिले हैं जनाब, एक जो है मैं आपको रेट बता दूं तो फिर हम घर जाते हैं, क्योंकि घर वालों ने कहना है कि रेट बता क्या आ रहा है। रेट इसलिए बता रहा हूँ कि महंगाई बहुत हो गई है, शहबाज शरीफ को नेक्स्ट वोट नहीं देना, शहबाज शरीफ ने बहुत तंग किया हुआ है। और हमने ये 2 इसलिए, मैंने तो ऊँट लेना था, देखा पास ऊँट खड़ा था, तो मैंने ये भेडू इसलिए लिए हैं कि भेडू जो है वो जनाब मुझे मिला जी एक, उसने कहा जी पहले उसने 60,000 का एक बोला है, तो मैंने कहा नहीं यार 60,000 का नहीं, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तो बहुत ज़्यादा पैसे ऊँट का मैंने पूछा कितने का, तो ऊँट कहता जी 5 लाख का। मैंने कहा 5 लाख का एक ऊँट लेना है, तो मैंने दिखावा तो नहीं करना, तो ऐसा करते हैं जी, ये इनका ये साथ ही खड़े थे पेडू, साथ खड़े थे। मैंने पेडू का रेट पूछा, ये इसने 50,000 60,000 पहले बताया, फिर खुद ही कहता 50,000। मैंने कहा नहीं यार इतना महंगे नहीं लेके जा सकता, तो कहता है जो खुद ही इसने कहा, कहता है दोनों का रेट लगाओ तो मैं आपको ना लाख, 1 लाख में ना दोनों दे दूँ। मैंने कहा खुद ही तू 50,000 कह रहा है, तो खुद ही मैंने कहा नहीं यार इतना आवारा नहीं खाता मुझे, तो आप ऐसा करो मुझे ना ये दे दो 80,000 के 2 दे दो, 40,000 के। बहुत बहस करने के बाद ना इसमें मुझे 80,000 के ना दोनों दे दिए हैं, और दोनों मैंने ना 80,000 के लिए हैं, तो बहुत ही अच्छा रेट लग गया मेरा। और वो भी कह रहा था कि पेट्रोल महंगा हो गया इसलिए, मैंने कहा पेट्रोल तो 250 का हो गया, अभी 300 तक लेके जाना शहबाज शरीफ का अगर 2 रहा तो अल्लाह करे शहबाज शरीफ का जान छूटे और ईद हमारी अच्छी गुजर जाए। दुआ करें यार, सब लोग कमेंट करके बताएं ये शहबाज शरीफ ने कब जान छोड़ दी हमारी, और आप लोगों ने क्या लिया, बकरा लिया, बैल लिया, मंडी के आपके इलाकों में क्या रेट चल रहे हैं। और ये जो एड्रेस जहाँ पे मैंने ये बकरे लेके आया हूँ, पेडू लेके आया हूँ, आप लोग इधर आ जाइएगा, ईद के पहले दिन ये दोनों हो जाएंगे और आप लोग अपने हिस्से का गोश्त ले जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।